See, bete, some of the concepts, listen to me carefully. We have done in preparation of haloalkanes that from alcohol, whenever you prepare, the order is tertiary, secondary, primary. Theek, first. Kyun order hota hai? Due to inductive effect. All you are aware of inductive effect? Yes, ma'am. See, bete, inductive effect, organic mein agar plus I effect hota hai, to sirf alkyl group ka hi hai. If or inorganic, ये बात एक चीज लिखो पहले plus I inductive effect वाला. You should know difference कि plus I किसका होता है और minus I, तभी आधे क्वेश्चन करोगे. Plus I वाला सिर्फ खुद alkyl ही है. देखो inductive effect electronegative की sister है, पहले ये बात समझो. You have done in periodic table, one is electronegativity. That was tendency to attract shared pair of electron. We have done this. ठीक? But in inductive effect, आप एक tug of war खेल रहे हो, जिसमें जो electron pull कर रहा है और जो ज़्यादा pass है उससे ज़्यादा electron खींचे जा रहे हैं और जो वो दूर है उससे कम खींचे जा रहे हैं. पहली बात, ठीक है? Inductive effect जो minus I electron खींचने वाला organic में सारे group लगाते हैं. चाहे वो OH लगाओ, चाहे वो CHO लगाओ, चाहे वो CL लगाओ, सारे के सारों ने माइनस आई इफेक्ट लगाना ही लगाना. समझ आ रही है? माइनस आई सबका होता है, प्लस आई सिर्फ खुद एल्काइल ग्रुप ही लगाता है. अगर कार्बन को कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो खुद कार्बन, ठीक? कार्बन से बाकी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं. जैसे मैं बात की थी कल फिनॉल में, देखो ये थी, अगर मैं यहाँ पे, ये तेरी क्रिसोल बन गई, ठीक है? अगर ये मैंने बना दिया तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है. जब ये ऑर्थो पोजीशन पे लगाओ, ठीक है, जब ये ऑर्थो पोजीशन पे लगाओ तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये आई इफेक्ट एक डिस्टेंस इफेक्ट है. समझ आ रही है? इट इज अ डिस्टेंस इफेक्ट. जितना नियरर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा. अगर यही CH3 में यहां पे लगा दूं तो ये प्लस आई के कारण कम इलेक्ट्रॉन देगा. समझ आ रही है? जो प्लस आई और माइनस आई है, दैट इज अ डिस्टेंस, दैट इज अ डिस्टेंस इफेक्ट. ऑर्गेनिक में प्लस आई सिर्फ खुद कार्बन है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता बेचारे को, खुद अपनी हेल्प करता है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए बने. पहली बात, जितने पास पड़े होंगे उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेंगे, जितने दूर पड़े होंगे उतने इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा खींच नहीं पाएंगे. और कौन से इलेक्ट्रॉन? सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. पाई की बात इंडक्टिव इफेक्ट में नहीं होती, ठीक है? इंडक्टिव इफेक्ट में बेटे जी पाई की बात नहीं होती. सिर्फ ये जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं, खींचते वही हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो उसी चेन के अंदर से इलेक्ट्रॉन जाके मिलते हैं. पाई को कभी कुछ नहीं होता, ठीक? अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो तीन कार्बन लगे हों तो ये स्टेबल इसलिए है कि ये तीनों कार्बन इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं. अगर किसी के पास किसी चीज की कमी है, जो वो कमी दूर करेगा तो वो स्टेबल करेगा उसको. तो कार्बोकेटाइन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. अगर तीन तीन कार्बन इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं तो इस कमी को दूर करते हैं, तो इसको स्टेबल बनाते हैं. समझ आ रही है? गेटिंग माई पॉइंट? अब आ जाओ बेटे बेंजीन, क्योंकि आपकी बेंजीन की रिएक्शंस बहुत ज्यादा हैं. चाहे आप फिनॉल करोगे उसमें भी बेंजीन के ऊपर OH लगा है, चाहे आप हेलो अरीन्स करोगे उस पे भी बेंजीन के ऊपर CL लगा है या BR लगा है या आयोडीन लगा है, जो भी लगा है. तो अकेली अगर मैं बेंजीन की ही बात करूं
पहले तो मैं कुछ नहीं लगा रही। बेंजीन किस टाइप की रिएक्शन जाती है? बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाती है। कौन सी रिएक्शन जाती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये ऐसा क्यों जाती है? देखो, क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड छाया हुआ है, इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। और व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट, इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट। वो क्यों इसको इलेक्ट्रॉन अच्छे लगते हैं? क्योंकि उसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अगर तो अकेली एल्कीन हो, ये हो, तो ये कौन सी रिएक्शन जाती है? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जाती है। ये कौन सी रिएक्शन जाती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल आता है, इसका ये पाई इलेक्ट्रॉन यूज करता है और इसके साथ लग जाता है। जैसे आप HCl ऐड करते हो तो पहले H आएगा, ये लगेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे Cl। जो ये H बचता है, ये Cl बचता है नेगेटिव वाला, वो यहाँ लग जाता है। ठीक है, वो यहाँ लग जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? अब एल्कीन के पास भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, वो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन चलेगी, उसने अपना पाई बॉन्ड त्याग दिया, सिंगल बॉन्ड बन गई, अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड बन गई, एल्कीन से हेलो एल्केन बन गई। मगर जो बेंजीन है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं त्याग सकती, क्योंकि क्यों नहीं त्याग सकती? बेंजीन में होती है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस उसको बनाती है स्टेबल। अगर आप उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ले लोगे तो उसकी रेजोनेंस को आप इफेक्ट करोगे, तो आप वो रेजोनेंस अपनी इफेक्ट नहीं करवाती, तो क्या करवाती है? फिर कहते जी मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल आए, मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल आए, मैं इस इलेक्ट्रोफाइल को अपने ही हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। समझ आ रही है? हाँ जी। अगर एक मैकेनिज्म की बात करें, जैसे कि Cl2 आप FeCl3 डालते हो, ठीक है, FeCl3 प्लस Cl2 आपको ये देता है क्लोरीनियम आयन। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाती है। ठीक है, इनिशियली ये क्लोरीनियम आयन आता है। ये मैं क्यों करवा रही हूं? क्योंकि आपने एलो अरेंज करनी है, आपने फिनॉल्स करनी है, आपको प्रोडक्ट बनाने आएंगे। फिर अब ये आएगा इनिशियली, जब ये Cl पॉजिटिव आएगा इसका, अब ये इलेक्ट्रोफाइल हमने Cl पॉजिटिव जनरेट करवा दिया, अब ये आएगा इनिशियली तो ये बॉन्ड यूज करेगा, ये जो बॉन्ड है ये यूज करेगा, क्योंकि इनिशियली तो इसमें लगना है किसी तरीके से। तो जब बॉन्ड यूज करेगा तो ये Cl है, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये H, ये ऐसे निकलता है अपना बॉन्ड देके, और ये H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर आ जाता है, तो ये क्या हुई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। समझ आ रही है? दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बेंजीन को जो एक्टिवेट करते हैं, जो प्लस आर या माइनस आर, अब आपने जो भी ग्रुप पढ़े, अभी एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ने बाकी हैं, वो तो होते हैं माइनस आर। चाहे हम फिनॉल की बात करें, चाहे वो हम हेलो अरेंज की बात करें, ये दोनों ही प्लस आर है। ठीक है, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन देते हैं बेंजीन के ऊपर। जरा लिखो प्लस आर वाले कौन कौन से, राइट डाउन। प्लस आर ब्रैकेट में लिखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, प्लस आर में सारे के सारे हेलोजन आ जाएंगे। देखो, मैंने एक चीज हमेशा याद रखो,
आई वाला सिर्फ एक ही है, प्लस आर के साथ उसको कंफ्यूज नहीं करना। ये नहीं कहना कि क्लोरीन माइनस आई के कारण इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मगर प्लस आर के कारण इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है। अब वो कैसे दे रहा हम देखेंगे, समझ आ रही है? अब प्लस आर वाले सारे हैलोजन, सारे फिनॉल, ईथर्स, अमीन्स, ये सारे प्लस आर वाले हैं। जो आपकी सिलेबस में फंक्शनल ग्रुप हैं वो हैं आपके हैलोजन्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आपके फिनॉल, ईथर्स, ओके, गेटिंग माई पॉइंट, अमीन्स, और इसके अलावा CH3 भी। CH3 क्यों देता है? वो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण देता है, बट देता है। ये CH3 प्लस आर है। माइनस आर वाले एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस आर, नाइट्रो NO2, अब हमने देखा कि बेंजीन क्या अंडरगो करती है बेटे, बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन मींस कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आ रही है। इसका मतलब जो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन देगा वो बेंजीन को एक्टिवेट कर देगा। अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर आराम से अटैक कर सकता है। अब आपकी सिलेबस में जब आप हेलो अरीन्स की प्रिपरेशन करते हो, यस्टरडे इन द एक्स्ट्रा क्लास वी हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टॉलवीन, तो हमने क्या किया था? हमने क्लोरीन FeCl3 ICl3 की प्रेजेंस में कहां पर अटैक करवाया था? ऑर्थो या पैरा? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि CH3 ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर इवन इसके ऊपर Cl लगा होता, ऑलरेडी Cl लगा होता, अगर आप नया Cl2 लेके आते तब भी आपका ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट बनना था। ठीक है, तब भी आपका ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट बनना था। ऐसा क्यों होता है बेटे जी? अब ये होते हैं बेटे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं? जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तब आपको समझ आता है। अब लेट मी मेक वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे क्लोरीन है और ये स्ट्रक्चर क्यों बना रही हूँ? अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, हमें ये समझ आता है कि क्यों हेलोरीन्स हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं जाती। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ जाते हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर आ जाते हैं। अब ये पोजीशन क्या है बेटे? ऑर्थो, ये है मेटा, ये है पैरा। ठीक, अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तो यहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव, फिर ये इनसाइड जाएंगे, तो यहां अपना पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है। अब ये फिर से आपके यहाँ तो हमने क्या देखा बेटे, ऑर्थो और पैरा पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज। देखो ध्यान से, मेटा पे कभी कोई चार्ज नहीं आता, ये याद रखना। नीदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव, मेटा अपने आप को सेव रखती है। अब जब ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पे अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जब आएगा बेटे वो किस पोजीशन पे अटैक करेगा, ऑर्थो या पैरा पे? अब पैरा पे वो ज्यादा अटैक करेगा क्योंकि पैरा पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, भीड़ कम है। ऑर्थो के पास ऑलरेडी एक ग्रुप लगा हुआ है, तो जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे आप, उसमें जो प्रोडक्ट है वो ऑर्थो या पैरा बनाओगे। दिखाती हूँ अभी, रुक जाओ, वेट। ठीक है बेटे, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज। गॉट इट? तो इसका मतलब अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आपका किस पोजीशन पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा। चाहे आप जब भी फिनॉल की रिएक्शन करोगे बेटे, चाहे हेलोरीन्स की रिएक्शन करोगे, तो आपको इलेक्ट्रोफाइल्स क्लोरीन लेंगे, NO2 लेंगे ये, ठीक है, नाइट्रेशन करवाएंगे, सल्फोनेशन करवाएंगे, फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाएंगे, फीडर क्राफ्ट असाइलेशन करवाएंगे। तो आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेजना होगा। सिर्फ एक ब्रोमीन की फिनॉल के साथ रिएक्शन छोड़ के वो मैं आपको बाद में करवाती हूँ। अब अगर CH3 लगा, वो कैसे शो किया? दैट इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। इनको कुछ नहीं आता बेटे, मैं करवा के देख चुकी हूँ। ये आपकी टोलवीन है, ठीक, इट इज ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एक इफेक्ट होता है जिसे कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नाथन इफेक्ट, ठीक है। इसको बेटे रेजोनेंस जो इफेक्ट होता है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, उसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, या डबल बॉन्ड सिंगल विद द सिस्टम विद लोन पेयर्स। जैसे कि हम विनाइल क्लोराइड बनाए, इसमें भी रेजोनेंस है। क्यों रेजोनेंस है? डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस है। अगर मैं ये बनाऊं, तो इसमें भी रेजोनेंस होगी क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड होगा। इसे कहते हैं बेटे कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड, जो डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड सिंगल विद लोन पेयर होते हैं, ये सारों में रेजोनेंस होती है, ये सारों में रेजोनेंस होती है। जब हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब कॉन्जुगेशन से भी ऊपर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है आपका, फिर भी ये रेजोनेंस शो कर रहा है, दैट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये जो एल्काइल ग्रुप है, दिस इज अल्फा कार्बन एंड इट इज अटैच्ड टू अ डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। ये अपना एक बॉन्ड यहां जाता है, इसमें इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके कौन से हैं? पाई। सिग्मा और पाई में रेजोनेंस है। जब ये अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां देता है तो यहां पे कोई बॉन्ड रहता है नहीं, तो ये आ जाता है बेटे नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये मैंने बाद में देनी थी क्योंकि मैंने आपको सेट्स ऑफ रूल समझाना था कि हाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्यों स्टेबल होती है। चलो अब समझ लो, ठीक है।
अब यहां पे क्या आ जाएगा? अब यहां पे अगर डबल बॉन्ड आया तो ये वाला डबल बॉन्ड बाहर जाएगा, ठीक है? तो इट विल बी डबल बॉन्ड सिंगल एच एच। अब यहां पे कोई भी बॉन्ड नहीं रहा, नहीं रहा, तो दैट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस। और यहां पे डबल बॉन्ड आ गया और यहां पे क्या आ गया? नेगेटिव। अब ये फिर भी एच प्लस रहता है पास, क्यों? क्योंकि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना है, ये पाई बन गया ना, ये इस पॉजिटिव हाइड्रोजन को खींचता रहता है अपने पास। दैट इज वाई इसमें बॉन्ड ना होने के बावजूद ये एच प्लस इसके पास पड़ा रहता है, ठीक? अब ये सेम वैसे ही आप सर्कल में लेके आओगे जैसे आपने हेलो अरीन्स लेके आए हो, तो आप देखोगे अगेन ऑर्थो और पैरा पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। समझ आ रही है? ये सिर्फ बेटे एक एच नहीं, ये सारे एच एक एक बारी खुलेंगे तो बहुत ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है? जितनी एच ये खुलेंगे उतने ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते जाएंगे और उतना वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। व्हाट द पॉइंट? समझ आ रही है? तो ये सारे बेटे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और बेंजीन अंडरगो करती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब जब आप हेलोरिन्स पढ़ते हो या आप जब फिनॉल्स पढ़ते हो तो उनकी टिपिकल रिएक्शन पीछे लिखी होंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आप टिपिकल रिएक्शन करते हो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजनेशन, एल्काइलेशन और असाइलेशन। तो आपने हर बारी जो आने वाला ग्रुप है उसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लेके आना, ठीक है? मगर फिनॉल में एक नाइट्रेशन पे एक्सेप्शन आती है, एक जब आप ब्रोमीन के साथ एक्ट करते हो, वो हम देखेंगे क्या है। समझ आ गई? ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट कब बनता है, मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट कब बनता है, वो अलग बात है। अब आ जाओ माइनस आर। अब जैसे कि मैं बेंजीन के ऊपर बेटे एल्डिहाइड लगा लूं, ठीक है? अब आप इन ग्रुप्स को ध्यान से देखो, ये माइनस आर क्यों है? प्लस आर वाले वो सारे हैं जिनके पास लोन पेयर है। ध्यान से देखो, चाहे ओ आर है, चाहे ओ एच है, चाहे हेलोजन है, चाहे अमीन है, NH2 दो लोन पेयर है ना, वो डायरेक्टली बेंजीन के ऊपर अटैच है। मगर माइनस आर वाले जो ग्रुप होते हैं बेटे जी, ये अगर कार्बन है इसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, इसके ऊपर लोन पेयर है। ये कार्बन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम जरूर बन गया, डबल सिंगल डबल वाला। समझ आ रही है? तो अब ये उल्टी रिंग चलेगी, ठीक है? नाउ इट विल बिकम ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज किस पोजीशन पे आया? ऑर्थो। अब अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो नेक्स्ट कहाँ आएगा? पैरा। फिर कहाँ आएगा? ऑर्थो। कभी भी मेटा के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज आया है ना नेगेटिव चार्ज आया है। अब क्या होगा जब ये फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे? क्योंकि बेंजीन तो अंडरगो करती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के पास अब कोई चारा नहीं है, जब माइनस आर लगे होंगे वो ऑर्थो और पैरा पे नहीं अटैक कर पाएगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे क्या है? ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज। वो क्यों अटैक करेगा? नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो उसके पास क्या बचा? मेटा पोजीशन। क्या बची? मेटा पोजीशन। तो जब माइनस आर वाले ग्रुप लगे होते हैं जी, तब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आके अटैक करता है?
मेटा पे, ऑर्थो और पैरा पे अटैक नहीं कर पाता, तभी माइनस आर वाले ग्रुप को कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, और प्लस आर वाले को कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल्स को ऑर्थो और पैरा पोजीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज उनको नजर आ रहा है तो वो मेटा पे क्यों जाए? अगर माइनस आर लगे हैं तो मेटा पे कोई चार्ज नहीं है, ऑर्थो और पैरा पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल अब ऑर्थो और पैरा पे क्यों जाएंगे? क्योंकि वो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो तो वहां जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन उनको मिले, तो वो कहां जाएंगे? मेटा। हाँ जी, प्लस वाले, प्लस आर वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। देखो जो इस टर्म में सिलेबस है वो सिलेबस है हेलोरीन्स, वो सिलेबस है फिनॉल वाला, ये दोनों ग्रुप ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इनमें मेटा का कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। जो नेक्स्ट आएगा एल्डिहाइड की टोन, वहां पे सारे मेटा वाले बनाओगे। बेटे मीजोमेरिक दूसरा नाम है रेजोनेंस का, बेंजीन कौन सी रिएक्शन जाती है गीतेश? और तो पैरा पे प्लस आर क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। माइनस चार्ज वहीं आता है। माइन आकेड़े, ये कौन सा ग्रुप बनाया मैंने? ये कौन बेंजाल्डिहाइड कौन सा ग्रुप है? माइनस आर। इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ रहा है? ऑर्थो और पैरा। क्या इलेक्ट्रोफाइल अब ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर पाएंगे? किस पे करेंगे? इस केस पे मेटा पे। बेटे इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, वो वहां अटैक करेंगे जहां उनको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अगर मुझे कैंडी बहुत पसंद है ना, तो तेरे हाथ में चार है और इसके हाथ में दो है, तो पहले तेरे पास ही अप्रोच करूंगी। पर अगर इसके हाथ में दो है और तेरे पास ही नहीं, तब मैं इसके पास चली जाऊंगी। सेल्फिश है ना। प्लस आर प्लस एम ऑर्थो पैरा, माइनस आर माइनस एम मेटा। नेक्स्ट बेटे लिसन मी केयरफुली, एक कंसेप्ट यू शुड नो, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। ये आज हम एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ेंगे, जो एक्स्ट्रा क्लास वाले बच्चे हैं, सेट्सअप रूल सारी है। तो आप एलिमिनेशन रिएक्शन करोगे आज। एलिमिनेशन रिएक्शन में करेंगे कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। अब व्हाट इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एंड व्हाई इट इज स्टेबल, ये पता होना चाहिए आपको। समझ आ रही है? अब ये कौन, अगर मैंने बेंजीन के ऊपर CH3 लगाया आपके भी दिन आने हैं, यू विल वन डे गिव द प्रेजेंटेशन एंड होल ऑफ द हॉल विल टॉक। लिसन टू मी केयरफुली बेटे, सी ये सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है बेटे? अगर मैं यहां पे CH3 लगा दूं,
दिस इज एच, दिस इज सी एच थ्री एंड दिस इज एच. ठीक. नाउ दिस इज सी सी एच थ्री, दिस इज अदर ग्रुप, दिस इज योर एच. कल समझेंगे.